नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। इस समाचार के जरिए हम आपको बताएंगे संसद के बजट सत्र में संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे लोकसभा के साथ। लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय बजट पर चर्चा प्रारंभ हुई। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया। उधर कांग्रेस समेत विपक्ष के सदस्य केंद्रीय बजट में विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। कुछ सदस्य इस दौरान अपनी बात रखना चाह रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से प्रश्नकाल में किसी अन्य विषय को नहीं उठाने का आग्रह किया। उन्होंने व्यवस्था दी कि सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष किसी को भी प्रश्नकाल में बोलने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल प्रश्नकाल ही चलेगा, सदन आगे भी इसी व्यवस्था से चलेगा। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और सदस्यों का समय होता है। उन्होंने कहा कि यह परंपरा रही है और आगे भी इसी परंपरा को ही कायम रखा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद परिसर में विपक्षी दलों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि सदन में नियोजित तरीके से व्यवधान डालना सही नहीं है। संसद में प्रदर्शन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी संसद सदस्य को द्वार के अंदर से आने में अवरोध पैदा ना हो। कई सांसदों ने मुझे लिखकर इस बात की जानकारी दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा कि संसद के मुख्य द्वार पर विपक्षी सदस्यों के प्रदर्शन के कारण कई सदस्यों के प्रवेश में अवरोध उत्पन्न हुआ। विपक्षी इंडी गठबंधन के घटक दलों के सांसदों ने केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। संसदीय कार्य मंत्री ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि प्रश्नकाल में विपक्षी सदस्यों ने जो किया है वो निंदनीय है। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं ने कहा था कि सदन में कार्यवाही अच्छे से चलनी चाहिए। वहां कार्यवाही चलाने की बात करते हैं और यहां आकर हंगामा करते हैं, ये ठीक नहीं है। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। इसके बाद प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला और मंत्रियों ने आकांक्षी जिलों, रेल पटरियों के विकास और कोयला खदानों से संबंधित पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। सदन में शून्यकाल के दौरान अनेक सदस्यों ने लोक महत्व के विषय भी उठाए। तृणमूल कांग्रेस की सांसद कीर्ति आजाद ने दावा किया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष के पद खाली पड़े हैं और इन्हें तत्काल भरा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि उक्त आयोगों में अध्यक्ष के पद कब तक भरे जाएंगे। केरल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत देश के अनेक हिस्सों में मानव पशु संघर्ष के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए लोकसभा में कुछ दलों के सदस्यों ने सरकार से मांग की कि वन संरक्षण अधिनियम में बदलाव किया जाना चाहिए और खेतों में आने वाले क्रूर पशुओं को मारने की अनुमति मिलनी चाहिए। शून्यकाल में कांग्रेस सांसद डीन कुरियाकोस ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से अनुरोध किया कि वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन का ये सही समय है और वन्य क्षेत्र से निकलकर खेतों में आने वाले क्रूर पशुओं को मारने और पशुओं का जन्मदर नियंत्रण करने की नीति अपनानी होगी। केरल के इडुक्की से सांसद कुरियाकोस ने हाल ही में अपने क्षेत्र में 48 वर्षीय एक आदिवासी पुरुष को हाथियों द्वारा मारे जाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र ही नहीं राज्य सरकार ने भी पशुओं से मनुष्यों की रक्षा के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से राष्ट्रीय लोकदल के सांसद चंदन चौहान ने भी हाल ही में अपने क्षेत्र में 15 साल की एक बालिका की तेंदुए द्वारा मारे जाने की घटना का जिक्र करते हुए सरकार से मांग की कि क्षेत्र में तेंदुए के बढ़ते प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए क्षेत्र में अधिक से अधिक पिंजरों और बचाव वाहनों को तैनात किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में किए गए प्रयासों के कारण अभयारण्यों में बाघों की संख्या बढ़ी है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इसके कारण तेंदुए वन क्षेत्र से बाहर आकर ग्रामीण और शहरी इलाकों में घुस रहे हैं। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से अब तक 37 बच्चों की मौत होने का दावा करते हुए कांग्रेस की सांसद गनीबेन नगाजी ठाकुर ने केंद्र सरकार से इस विषाणु के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जल्द से जल्द सख्त कदम उठाने की मांग की और कहा कि इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो दोबारा कोरोना महामारी जैसी भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। इसके बाद वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर लोकसभा में सामान्य चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि कुर्सी को बचाओ और मित्रों पर लुटाओ इस सरकार का आखिरी नारा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को अग्निपथ योजना को खत्म करना चाहिए और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की कानूनी गारंटी देनी चाहिए। हरियाणा के सिरसा से लोकसभा सदस्य शैलजा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने हमारा घोषणा पत्र लागू किया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। शैलजा ने बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष वित्तीय सहायता के प्रावधान का हवाला देते हुए कहा, क्या सिर्फ
दो राज्यों पर मेहरबानी हुई है। इसमें दो राज्यों के अलावा कुछ नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और संभवतः जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकार ने पहले ही हार मान ली है। बजट में इन राज्यों का जिक्र तक नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में कृषि संकट में है, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सिरसा की सांसद ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में किसानों का 72,000 करोड़ रुपयों का ऋण माफ किया गया था, लेकिन आपने सिर्फ पूंजीपतियों के कर्ज ही माफ किए। शैलजा ने सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि आज भी दिल्ली से कुछ दूर शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, लेकिन सरकार उन किसानों की तरफ देखना भी नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि किसानों को जब तक आप एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं देते, आप किसानों को न्याय नहीं दे सकते। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन होना चाहिए। शैलजा का कहना था, हम जिस दिन सरकार में आएंगे उस दिन यह करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि 5 किलोग्राम अनाज देने से गरीबी दूर नहीं होगी, बल्कि रोजगार देना होगा और महंगाई पर नियंत्रण करना होगा। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने अग्निपथ योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार सेना, युवाओं और जवानों के साथ नाइंसाफी कर रही है, इसे तत्काल खत्म किया जाना चाहिए। 2024-25 के लिए बजट पर लोकसभा में सामान्य चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद विप्लव कुमार देव ने कहा कि प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान केवल सड़कों की साफ सफाई का अभियान नहीं है, बल्कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार को समाप्त किया है और करते रहेंगे। उन्होंने केंद्रीय बजट में कई राज्यों के साथ भेदभाव से जुड़े विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इसमें सभी प्रदेशों और वर्गों का ध्यान रखा गया है और जनता के लिए आज भी मोदी की गारंटी कायम है। देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में न केवल पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था लागू की गई है, बल्कि उन्होंने समाज सुधारक की भी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक की प्रथा के खिलाफ कानून के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाया है और उन्होंने एक समाज सुधारक की भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती को कुरीतियों के खिलाफ सुधार के लिए समाज सुधारक के तौर पर जाना जाता है। ईश्वर चंद विद्यासागर को विधवा विवाह के लिए समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। राजा राम मोहन राय को सती प्रथा समाप्त करने के लिए समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सुधार के साथ साथ समाज सुधारक के रूप में भी काम किया। देव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के इस अभियान के कारण देश के लोगों का स्वभाव बदला है। पहले लोग जहां मर्जी से गंदगी फैलाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के कारण अब मानसिकता बदल गई है और अब इसमें सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत केवल साफ सफाई नहीं हुई, बल्कि इसके माध्यम से भ्रष्टाचार को खत्म किया गया और आगे भी किया जाता रहेगा। भाजपा सांसद ने विपक्ष विशेषकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जो कांग्रेस 3 आम चुनावों में भी कुल मिलाकर 240 का आंकड़ा नहीं छू पाई, उन्होंने कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार 2047 तक रहेगी और जनता इसे 400 पार भी पहुंचाएगी। और आइए लोकसभा के बाद, आइए अब आपको बताते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा से जुड़ी हुई आज की सदन की कार्यवाही की जानकारी। राज्यसभा में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने बुधवार को आम बजट 2024-25 में बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के इन आरोपों को अपमानजनक करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि बजट भाषण में राज्यों का नाम न लेने का अर्थ ये नहीं है कि उन्हें नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा पूर्व में पेश किए गए बजट में भी सभी राज्यों का कभी उल्लेख नहीं रहा। सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा नियम 267 के तहत नोटिस खारिज करने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली और ओडिशा सहित कई राज्यों को कुछ भी नहीं मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने ऐसा बजट कभी नहीं देखा, ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए है। हम इसकी निंदा करते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एनडीए गठबंधन के दल इसकी निंदा करते हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि जिन क्षेत्रों में विपक्षी पार्टी चुनकर आई है या जहां जनता ने सत्तारूढ़ पार्टी को नकार दिया है, उन क्षेत्रों को बजट में नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने प्रश्न उठाया
कि अगर बजट में संतुलन नहीं होगा तो विकास कैसे होगा। इसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। बिहार की जनता दल यूनाइटेड और आंध्र प्रदेश की तेलुगुदेशम पार्टी लंबे समय से अपने राज्यों के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश बजट में आंध्र प्रदेश के लिए 60,000 करोड़ रुपयों की घोषणा की और दक्षिणी राज्यों के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों से 15,000 करोड़ रुपयों की सहायता प्रदान करने के लिए समर्थन का वादा किया। मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट भाषण में अक्सर हर राज्य का नाम लेना संभव नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य को नजरअंदाज किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्होंने बजट पेश करने के दौरान महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया, लेकिन हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के लिए 76,000 करोड़ रुपयों की लागत वाली वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि वो कई अन्य राज्यों का हवाला दे सकती हैं जिन्हें बड़ी परियोजनाएं मिली हैं। उन्होंने कहा कि यदि भाषण में किसी राज्य का नाम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि भारत सरकार की योजनाएं क्या इसका मतलब यह है कि भारत सरकार की योजनाएं, भारत सरकार के कार्यक्रम विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, AIIB और इस तरह के संस्थानों से मिलने वाली विदेशी सहायता इन राज्यों में नहीं जाती हैं, वो एक तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के व्यय विवरण में मदवार राज्यों के आवंटन का जिक्र होता है। उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि ऐसा विमर्श गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि बजट में राज्यों को कुछ नहीं दिया गया। उन्होंने कहा विपक्ष के नेता ने जो आरोप लगाए हैं वो अपमानजनक हैं और अस्वीकार्य हैं। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य सदन में लौट आए। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने बजट में पश्चिम बंगाल को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इस पर पलटवार करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार कई केंद्रीय योजनाओं को राज्यों में लागू नहीं कर रही है। थोड़ी देर के लिए इस मुद्दे पर सदन में हंगामा भी हुआ। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से कहा कि बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे का समय आवंटित किया गया है और इस दौरान सभी सदस्य विस्तार से अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वो चर्चा के समय को और भी बढ़ा देंगे और सभी को बोलने का पूरा मौका देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद शून्यकाल आरंभ हुआ और सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ी। शून्यकाल में तृणमूल कांग्रेस की मौसम नूर, आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, बीजू जनता दल के निरंजन बिशी, सुभाशीष खुंटिया, निर्दलीय सदस्य अजीत कुमार भुयान, भारतीय जनता पार्टी की धर्मशीला गुप्ता, डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे, ईरन कडाडी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बहुजन समाज पार्टी के रामजी, कांग्रेस की रजनी पाटिल, द्रमुक सदस्य KRN राजेश कुमार और केरल कांग्रेस MK जोस के मणि ने आसन की अनुमति से अपने अपने मुद्दे उच्च सदन में उठाए। भोजनावकाश के बाद राज्यसभा में आम बजट 2024-25 और जम्मू कश्मीर के बजट पर एक साथ चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि वो आम बजट में घोषित ELI पहल से पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। उन्हें आशंका है कि कहीं इसका हश्र भी प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने के चुनावी जुमले जैसा न हो जाए। चिदंबरम ने कहा कि वो इस बात को लेकर विशेष प्रसन्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़ने का अवसर निकाला और कांग्रेस के घोषणा पत्र के पृष्ठ संख्या 11, 30 और 31 से अच्छे विचारों को लिया। उन्होंने बेरोजगारी को सबसे बड़ी चुनौती करार देते हुए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुमानों का हवाला दिया और कहा कि जून 2024 में अखिल भारतीय बेरोजगारी दर 9.2% थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश, एयर इंडिया, मध्य प्रदेश में कम कुशलता वाले पदों और राज्य भर्ती बोर्ड पर विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए बेरोजगारों की उमड़ी भारी भीड़ के उदाहरण भी गिनाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि इन सब परिस्थितियों के बीच कुछ ही दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि भारत में रोजगार को लेकर कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक से सतर्क, परंपरावादी और निष्पक्ष होने की उम्मीद की जाती है, लेकिन इस मामले में वो ना तो सतर्क हैं, ना परंपरावादी हैं और ना ही निष्पक्ष। मुद्रास्फीति की चर्चा करते हुए उन्होंने दावा किया कि सरकार ने महंगाई संबंधी जो आंकड़े दिए हैं, देश के अंदरूनी और दूर दराज के हिस्सों में महंगाई उनसे कई गुना अधिक है। तृणमूल कांग्रेस के जवाहर सरकार ने आम बजट की तीखी आलोचना की और कहा कि यह संघवाद की भावना के खिलाफ है जिसमें सिर्फ देश के धनी और कॉरपोरेट जगत का ख्याल रखा गया है, इसमें आम लोगों के कल्याण पर जोर नहीं दिया गया है। उन्होंने दावा किया
कि सरकार राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है और उसे लोगों की भावना के साथ नहीं खेलना चाहिए। बीजू जनता दल के सुजीत कुमार ने कहा कि आम बजट से देश भर के लोगों को निराशा हुई और जिस प्रकार से ओडिशा के साथ सौतेला व्यवहार कर उसकी उपेक्षा की गई है उससे इस पूर्वी राज्य के लोग दुखी हैं। द्रविड़ मुनेत्र कशगम द्रमुक सदस्य एनआर इलांगो ने बजट को राजनीतिक करार दिया। उन्होंने कहा कि उनके राज्य तमिलनाडु की कई मांगें थीं जिन पर विचार नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी के सदस्य संजीव अरोड़ा ने बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन में वृद्धि करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 2017 की एक नीति में कहा गया था कि बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2.5% आवंटन होना चाहिए, लेकिन इस बार के बजट में भी ये आवंटन 2% से कम है। उन्होंने कहा कि कई देशों में बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन 8 से 12% के बीच रहता है। असम गण परिषद अगप के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य ने कहा यह बजट देश की माताओं और बहनों के लिए है, अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए है, जरूरी कृषि सेवा और विनिर्माण तीनों क्षेत्रों को बराबर का महत्व दिया गया है, इससे विकास की ऊंची दर हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह किसान हितैषी बजट तो है ही, साथ ही रोजगार निर्माण करने वाला भी बजट है, क्योंकि सरकार ने अवसंरचना विकास पर करोड़ों रुपयों की राशि खर्च करने की घोषणा की है। असम में हर साल आने वाली बाढ़ का हवाला देते हुए उन्होंने राज्य को आर्थिक मदद के लिए दी जाने की गुजारिश की और इसका स्थायी समाधान निकालने की मांग भी की। भारतीय जनता पार्टी के दीपक प्रकाश ने कहा कि यह बजट निश्चित रूप से बताता है कि आने वाली सदी भारत की होगी। प्रकाश ने कहा कि सभी क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने वाले लोगों को 1 महीने का वेतन देना और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार से जुड़े विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन देना सराहनीय पहल है। तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष ने कहा कि हमारा देश आज हर ओर असमानता का सामना कर रहा है और ये बात इस बजट से साफ हो जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पक्षपात के मामले में आज ब्रिटिश काल का औपनिवेशिक दौर भी पीछे छूट गया है। और इसी के साथ ही संसद समाचार में इतना ही। और संसद समाचार के बाद आइए अब समाचार की शुरुआत करते हैं। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। भारत दौरे पर आए ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लेमी से मुलाकात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई खुशी, कहा द्विपक्षीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल और पारस्परिक रूप से लाभकारी FTA को पूरा करने की इच्छा का स्वागत। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा। DRDO ने किया कमाल का काम, ओडिशा के चांदीपुर से Phase 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक किया परीक्षण। 5000 किलोमीटर श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए राष्ट्र की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच तीखी नोकझोंक, बजट में कई राज्यों की अनदेखी के विपक्ष के आरोपों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिरे से किया खारिज। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्षी रवैये को बताया निंदनीय। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को कांग्रेस ने बताया कॉपी पेस्ट। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का करारा प्रहार, कहा हमारी सोच कांग्रेस के न्यायपत्र से कहीं और आगे, 5 सालों में 20 लाख युवाओं को दिया जाएगा कौशल प्रशिक्षण। कुछ पार्टियों के नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार की खबरों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का पलटवार, कहा यह छोटी सोच का प्रदर्शन, विपक्ष जनता की सेवा को कम पब्लिसिटी को देता है ज्यादा महत्व। बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक पास, नए कानून में
3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। विपक्ष ने किया वॉकआउट, जिससे सत्ता पक्ष ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। डिप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, नहीं होगा बिहार की प्रतिभा के साथ खिलवाड़। और नेपाल काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दर्दनाक विमान हादसे में 18 लोगों की मौत। हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन। भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए पोस्ट किया कि यूके के विदेश मंत्री डेविड लैमी से मिलकर खुशी हुई। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर द्वारा व्यापक रणनीतिक साझेदारी को विस्तार देने और इसे गहरा करने की प्राथमिकता सराहनीय है। संबंधों को ऊंचाई देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध, द्विपक्षीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल और पारस्परिक रूप से लाभकारी एफटीए को पूरा करने की इच्छा का स्वागत करते हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना सम्मान की बात है। ब्रिटेन और भारत के बीच एक अद्वितीय जीवंत संबंध है जो दोनों देशों को समृद्ध बनाता है। हम ब्रिटिश और भारतीय व्यवसायों के लिए अवसर पैदा करते हुए जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को नई दिल्ली में ब्रिटेन के अपने समकक्ष डेविड लैमी के साथ बैठक की। द्विपक्षीय बैठक के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच संबंधों की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि भारत और ब्रिटेन वैश्विक मुद्दों और वैश्विक मंचों पर एक साथ काम कर सकते हैं। आई डू बिलीव दैट यू नो आवर रिलेशनशिप इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बट देयर आर एनॉर्मस पॉसिबिलिटीज देयर and how we explore those possibilities, how do we realize our potential in a more meaningful way is one of the tasks that I look forward to undertaking with you. We are both countries which have a big global presence in different ways. So I think it's also important that India and the UK work together on global issues and in global platforms. So, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, गर्मजोशी से स्वागत के लिए डॉक्टर एस जयशंकर का धन्यवाद। यूके भारत संबंध अपरिहार्य हैं। निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए यूके भारत प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल की घोषणा करते समय दिल्ली में होना शानदार है। तंजानिया की नेशनल असेंबली की स्पीकर और अंतर संसदीय संघ आईपीयू की अध्यक्ष डॉक्टर तुलिया एक्सन ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया कि आईपीयू अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एक्सन सदस्य देशों के बीच तालमेल और संवाद को और मजबूत करेंगी और वैश्विक दक्षिण के प्रासंगिक मुद्दों को पर चर्चा के लिए आईपीयू का एक मंच के रूप में उपयोग करेंगी। सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग के संबंध में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के सैन्य सहयोग की योजना पर कार्यकारी उपसमूह ने नई दिल्ली में तीसरी बैठक आयोजित की। इस दौरान रक्षा गतिविधियों को मजबूत करने और मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र के दायरे में नए पहलुओं पर चर्चा हुई। ये बैठक दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित एक मंच साबित हुई। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने बुधवार को द्वितीय चरण के बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। डीआरडीओ ने अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल को LC-6 धामरा से शाम
4:20 पर लॉन्च किया जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल की नकल थी। इसे जमीन और समुद्र पर तैनात हथियार प्रणाली रडार द्वारा पता लगाया गया और एडी इंटरसेप्टर सिस्टम को सक्रिय किया गया। चरण 2 एडी एंडो वायुमंडलीय मिसाइल को LC-3 से ITR चांदीपुर में शाम 4:24 पर लॉन्च किया गया। चरण 2 एडी एंडो वायुमंडलीय मिसाइल एक स्वदेशी रूप से विकसित दो चरण की ठोस चालित जमीन से प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है, जिसका उद्देश्य एंडो से कम बाहरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की ऊंचाई ब्रैकेट में कई प्रकार के दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को बेअसर करना है। मिसाइल प्रणाली में विभिन्न DRDO प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित कई अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल उड़ान परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की सराहना की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रक्षा मंत्री कार्यालय की पोस्ट में लिखा गया कि DRDO ने 24 जुलाई को बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के सफल उड़ान परीक्षण के लिए DRDO को बधाई दी है और उन्होंने कहा कि इस परीक्षण ने एक बार फिर भारत की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को विकास की मूलभूत सुविधा स्थापित करने के लिए किए गए आवंटन पर विपक्षी दलों द्वारा आपत्ति पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा ने कांग्रेस पर आंध्र प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया, तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार करने की बात कही। बिहार और आंध्र प्रदेश को विकास की मूलभूत सुविधाएं स्थापित करने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में मिले बजट पर विपक्षी दलों ने राजनीति शुरू कर दी है। विपक्षी इसे दूसरे प्रदेशों के साथ भेदभाव बता रहे हैं, जबकि सरकार इसे इन प्रदेशों की जरूरत करार दे रही है। विपक्ष के भेदभावपूर्ण बजट के आरोप पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि बजट में हर राज्य का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। इसका आशय ये नहीं है कि किसी राज्य को कम महत्व दिया गया है। Just to the point that he raised, that I have not named many states. And probably spoke about only 2 states. Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets, and they would know clearly that in every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. I have not named very many states. देश के पिछड़े प्रदेशों में गिने जाने वाले बिहार को केंद्रीय बजट 2024-25 में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के चलते बिहार में 3 एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जिससे दरभंगा, नालंदा सहित अन्य जिलों में व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचेगा। इन इलाकों के एक्सप्रेसवे से जुड़ने से रोजगार बढ़ेगा और बिहार के युवाओं को बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा। बाढ़ से प्रभावित बिहार को इस बार के बजट में बाढ़ राहत कार्यों के लिए 11,500 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। ये पैसा कोसी मेची लिंक, बराज, सिंचाई, कोसी के सर्वे जैसी 20 योजनाओं पर खर्च होगा। बिहार में अक्सर बाढ़ आती है और कई बार इसका कारण देश से बाहर की नदियों में पानी छोड़ा जाना होता है। हर साल भारत के बाहर से आने वाली कई नदियों के साथ साथ सहायक नदियों के कारण भी बिहार को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार का ये कदम प्रदेश को बाढ़ के दंश से बचाने में सहायक होने वाला है। बजटीय प्रावधान के अनुसार बिहार में भालपुर की पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए से 2400 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लगने से न सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में बल्कि रोजगार के क्षेत्र में भी बिहार अन्य राज्यों की तरह समृद्ध हो पाएगा। अब बेसिकली क्या है, विरोध जो विरोध पक्ष होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि जो सरकार करे उसका विरोध कर दो, बगैर देखे हुए, बगैर जाने हुए, बगैर उसको कुछ सोचे हुए। उनका काम बेसिकली यही होता है, वो वही करते हैं। कांग्रेस बोले कि उसने झूठा वादा किया था और हम झूठ कर रहे थे, इसको नहीं करना था। हमने जब YSR की सरकार थी तो भी हमने 4,000 करोड़ उस समय अलग से दिया और वो अपना फैसला नहीं कर पा रहे थे कि राजधानी कहाँ होगी। जब राजधानी का फैसला हो गया तो वो राशि दी जा रही है।
बिहार की तरह आंध्र प्रदेश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने सालों से लटकी हुई पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए फंड उपलब्ध कराकर उसे जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने इस परियोजना को आंध्र प्रदेश और वहां के किसानों के लिए जीवन रेखा करार दिया। वित्त मंत्री के अनुसार इस परियोजना के पूरा होने से देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही बजट में सरकार ने विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोपार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओवराकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों के आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए फंड मुहैया कराने का ऐलान किया। लेकिन विपक्ष द्वारा आंध्र प्रदेश के विकास के लिए मिले बजट का विरोध करने पर भाजपा ने कांग्रेस पर आंध्र प्रदेश की जनता को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता जीवीएल नरसिंह राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की 2 बार सरकार बनी, लेकिन सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस ने हमेशा जनता के साथ धोखा किया। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के द्वारा जो बजट की जो आलोचना और जो बजट का विरोध किया जा रहा है, यह उनकी एक बौखलाहट और उनकी निराशा को दर्शाती है। कांग्रेस पार्टी ने आंध्र की जनता के साथ बड़ा धोखा किया था। सरकार में आए आंध्र की केवल और केवल ये हमारे सरकार में अभी हमें 240 अपने बलबूते पर है। हम किसी एक राज्य की संख्या पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी निर्भर नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार पूरी तरह आंध्र प्रदेश में समर्थन के कारण 2 बार बनी है। आपने क्या किया? आपने आंध्र प्रदेश की जनता के साथ बड़ा धोखा किया है। भाजपा के ये आरोप बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि 20 फरवरी 2014 को राज्यसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शेष आंध्र प्रदेश राज्य को 5 साल के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने के साथ ही कई दूसरे विकास के वादे किए थे। मनमोहन सिंह ने राज्य के लिए विशेष पैकेज संबंधी एक बयान में पोलावरम परियोजना के तहत सुचारू और पूर्ण पुनर्वास और पुनर्स्थापना की सुविधा देने का भी वादा किया था। हालांकि सालों गुजर जाने के बावजूद कांग्रेस की सरकार ने इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। अब मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट में आंध्र प्रदेश को देश के विकास से जोड़ने की पहल हुई है, जो शायद कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों को चुभ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट संसद में पेश हो गया, लेकिन विपक्षी दलों का विरोध जारी है। विपक्षी दलों का आरोप है कि 2 राज्यों को छोड़कर सब राज्यों की अनदेखी की गई है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री बघेल साहब हमारे साथ हैं। सर, अपोजिशन आज भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया और कहा कि बजटीय चर्चा जब होगी तो वहां भी हम विरोध करेंगे। उनका कहना है कि जो 2 राज्यों के साथ ज्यादा मर्म दिखाया गया और बाकी राज्यों के साथ अनदेखी की गई। आज वित्त मंत्री ने राज्यसभा में कहा है कि संयोग है कि 2 राज्यों का नाम लिया, लेकिन जितने भी 1,00,000 करोड़ का बजट है वो संपूर्ण भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक भाजपा शासित राज्य हों या गैर भाजपा शासित राज्य हों या यूनियन टेरिटरीज हों, उनके हक के अनुसार उनको बजट दिया गया है। तो नाम उत्तर प्रदेश का भी नहीं है, तो इसका ये मतलब थोड़ा कि उत्तर प्रदेश को बजट नहीं मिला है, बल्कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लाभार्थियों की संख्या होती है। लेकिन जहाँ तक बिहार का मामला है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि एक सामाजिक हमारे एक सामाजिक भी नियम है, और वो ये नियम है कि अगर घर में कोई बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, बीमार होता है, तो माँ अपने अन्य बच्चों की तुलना में, एक सगी माँ उसकी स्वास्थ्य के लिए, दवा के लिए थोड़ा विशेष इंतजाम करती है। तो माननी पड़ेगा कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, इसलिए गाहे बघाए पैकेज की भी बात होती है और विशेष दर्जा की भी बात होती है। जो हमारा बजट है उसमें किसी का भी हक नहीं मारा जा रहा है। बजट संतुलित है आपका कहना है, और ये अपोजिशन का जो भी कहना है वो बेबुनियाद है। 100% बेबुनियाद है। मैंने तो अपने राज्य का नाम लिया कि संपूर्ण बजट में उसका नाम नहीं लिया गया, तो इसका ये मतलब थोड़े कि वहाँ काम नहीं किया गया, तो वो नाम वाली बात है। नाम विस्तृत
रूप से अपना जब जवाब देंगी निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जी, तब राज्यवार सारी बातें वो करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक बहुत बैलेंस बजट है और इसमें सबका ख्याल रखा गया, और जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो एक ऐसा चश्मा पहनते हैं जो समदर्शी दिखाई पड़ता है, इसलिए वो सभी राज्यों का उसमें ख्याल रखा गया है। ये थे केंद्रीय मंत्री बघेल साहब, जिनका मानना है कि जो बजट है वो समावेशी है, सारे राज्यों के हितों का ख्याल रखा गया है और विपक्ष का जो ये आरोप है वो बेबुनियाद है। कैमरामैन लोकनाथ के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़ दिल्ली। बजट में कैपिटल गेन टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में बड़े फैसले लिए गए हैं। रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। डीडी न्यूज़ के साथ विशेष पैनल में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि नई व्यवस्था से लोगों को फायदा होगा, नुकसान नहीं। कैसे, समझते इस रिपोर्ट के जरिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कैपिटल गेन टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव का ऐलान किया। किसी भी परिसंपत्ति को बेचने से जो आपको फायदा होता है, आपको उस फायदे पर सरकार को टैक्स देना होता है, जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। कम अवधि में होने वाले फायदे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लंबी अवधि में होने वाले फायदे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। आपको बता दें कि सोने चांदी, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, शेयर बाजार में लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए लॉन्ग टर्म की समय सीमा अलग अलग थी और कैपिटल गेन टैक्स की दरें भी अलग अलग थी। अब बजट में कैपिटल गेन व्यवस्था को सरल बनाते हुए कैपिटल गेन की समय अवधि में बदलाव किया गया है। शेयर बाजार में लिस्टेड शेयर्स के लिए 1 साल और दूसरी परिसंपत्तियों के लिए अब 2 साल लॉन्ग टर्म होगा। इसके साथ ही अब देश में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर एक ही कर दी गई है। अब देश में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% है। ध्यान रहे कि कैपिटल गेन टैक्स की व्यवस्था बजट पेश होने के तुरंत बाद लागू हो चुकी है। अब सबसे ज्यादा लोग प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स को लेकर कैलकुलेशन में जुटे हैं। दरअसल पहले प्रॉपर्टी पर 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, जिसमें इंडेक्सेशन का फायदा मिलता था। इंडेक्सेशन समय के साथ महंगाई के असर को शामिल करते हुए वास्तविक रिटर्न को मापने का तरीका है। सरकार हर साल कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जारी करती है, जिसके आधार पर महंगाई के असर को नापा जाता है। अलग अलग समय सीमा के साथ ये फॉर्मूला पूरी कैलकुलेशन को काफी पेचीदा बना देता था। आम आदमी बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के ये कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने इंडेक्सेशन के झंझट को खत्म कर दिया है। अब 23 जुलाई के बाद प्रॉपर्टी बेचने पर आपको इंडेक्सेशन के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा और प्रॉपर्टी की बिक्री पर जितना फायदा हुआ उस पर 20% के बजाय केवल 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। सरकार का मानना है कि इससे तकरीबन सभी तरह के मामलों में करदाताओं को फायदा होगा। आप बताओ, 2005 आपने कब प्रॉपर्टी खरीदी थी? बोला साहब 2005 में। किस रेट पे खरीदी? बोला साहब 20 लाख रुपए में खरीदी थी। मैंने कहा आज के दिन में उसकी क्या वैल्यू होगी? बोला साहब 2 करोड़ रुपया। साहब मेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा नहीं? मैंने कहा देखो, आज भी अगर तुम बेचते तो नहीं मिलता, लेकिन जो है तुम बहुत खुशनसीब हो कि ये आज बजट आ गया, तुमने इससे पहले नहीं बेचा। क्योंकि अगर तुम बेचते तो मेरे अनुमान में ज्यादा होता। कहता कैसे? मैंने कहा देखो, पिछले 19 वर्ष में 2005 में जब तुमने खरीदा जी जी जी। और आज 3 गुना इंडेक्स जो है बढ़ा, मतलब 20 लाख रुपया जो था उसको हम इंडेक्स करेंगे, 3 गुना करेंगे तो 60 लाख रुपया हुआ। तो 2 करोड़ पे अब तुम्हें कितना टैक्स जो है इंडेक्सेशन के साथ देना पड़ता? कहा साहब 2 करोड़ में से 60 लाख निकाल दीजिए, 1 करोड़ 40 लाख हुआ, 1 करोड़ 40 लाख रुपये पे मैं 20% देता तो 28 लाख रुपया देता साहब। मैंने कहा अब कितना दोगे? बोला साहब 2 करोड़ में से अब तो मेरे को 1 करोड़ 80 लाख पे देना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्सेशन नहीं है, अब तो जो है 20 लाख ही घटा सकता हूँ 1 करोड़ 80 लाख पे। कैलकुलेटर से निकाल के बोला 22.5 लाख। तो मैंने कहा क्या फायदा हुआ? 5.5 लाख रुपए का उसको फायदा हुआ। आयकर विभाग ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए लिखा, इंडेक्सेशन के बिना नया कैपिटल गेन टैक्स ज्यादातर लोगों को फायदा देगा। अगर 5 सालों में प्रॉपर्टी के दाम 1.7 गुने से ज्यादा बढ़े तो नई रिजिम में फायदा होगा। अगर आपने 10 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी और उसके दाम 2.4 गुने से ज्यादा बढ़ता है तो भी आपको नई रिजिम में फायदा होगा। इसी तरह से 2009-10 में खरीदी गई प्रॉपर्टी के दाम अगर 4.9 गुना या इससे ज्यादा बढ़े तो नई कैपिटल टैक्स रिजिम में आपको फायदा होगा। अगर प्रॉपर्टी के दाम हर साल 9-11% की कम दर से बढ़े हों तो आपको पुराने रिजीम में फायदा होगा, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है। इसके साथ ही समझने की जरूरत है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी बेचने के बाद मिले पैसे को दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने में लगा देते हैं तो पहले की ही तरह आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा।
डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में सीबीडीटी चेयरमैन ने भी साफ किया कि लॉन्ग टर्म की परिभाषा को बदलने का भी निवेशकों को सकारात्मक फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को राज्यवार बजट आवंटन को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि बजट में बिहार को रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 10,033 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार में 3 गुना तेजी से काम हुए हैं। बिहार में रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है 10,033 करोड़ रुपए का। बिहार में 79,000 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स रेलवे के टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। बिहार 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है। यूपीए में जब उस सरकार में बिहार से रेलवे मिनिस्टर भी होते थे तब मात्र साल के 60-65 किलोमीटर का रेलवे लाइन का काम होता था। इतने बड़े राज्य में 60-65 किलोमीटर का रेलवे लाइन का साल में काम होता था एवरेज। मोदी जी के 10 साल के पीरियड में 160 किलोमीटर का पर ईयर काम होता है। देखिए काम में 3 गुना तेजी आई मोदी जी के पीरियड में। बिहार में 92 स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशन के तहत पूरा रीडेवलप किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोर देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में रेलवे के विकास के लिए रिकॉर्ड राशि प्रदान की गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए रिकॉर्ड एलोकेशन किया है। यूपीए के पीरियड में महाराष्ट्र जितने बड़े स्टेट को मात्र 1,171 करोड़ रुपए मिलते थे, 1100 करोड़ रुपए मिलते थे मात्र साल के। मोदी जी ने इस एलोकेशन को बढ़ाया, डबल किया, ट्रिपल किया, 4 गुना किया, 5 गुना किया, 6 गुना किया, 8 गुना किया और इस साल 13.5 गुना 13.5 times 13 गुना 15,940 करोड़ रुपए महाराष्ट्र में रेलवे के लिए एलोकेशन किया है। कुछ विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा केंद्रीय बजट 2024 के विरोध में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का चौतरफा विरोध हो रहा है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, भूपेंद्र यादव, हरदीप सिंह पुरी और पीयूष गोयल ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ विपक्षी पार्टियां सोच रही हैं कि नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करें। कैसे उनका व्यक्तिगत सोच, उनके व्यक्तिगत राजनीति देश की प्राथमिकताओं से ऊपर है। मुझे लगता है कई बार के जनता की सेवा नहीं, अपने स्वार्थ और अपने निजी राजनीति इन विपक्षी पार्टियों की प्राथमिकता है। ये बहिष्कार की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है और नीति आयोग जैसे फोरम, जो ऐसी संस्थाएं हैं जो नॉन पॉलिटिकल होकर के कॉपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए, विकास के मार्ग को बढ़ाने के लिए, उस पर ब्रेन स्ट्रोमिंग करने के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं उस पर ये जो बहिष्कार है इस विषय को दर्शाता है कि ये लोग पूरी तरीके से जनता को, जनता के विषयों को दरकिनार कर रहे हैं और केवल अपनी राजनीति के पर्सनल जो इंटरेस्ट है उसको पब्लिसिटी इंटरेस्ट में डेवलप करना चाहते हैं। दिस टाइम दे हैव लिंक्ड इट टू व्हाट दे परसीव एज स्टेप मदरली ट्रीटमेंट इन द बजट, बट द बजट इज नॉट स्टेट स्पेसिफिक। टू बायकॉट द मीटिंग ऑफ द नीति आयोग प्रपोज्ड ऑन द 27th, आई थिंक इट्स रिग्रेटेबल। If he boycott this forum, it is a damage for the Tamil Nadu. It is the barrier of development for the Tamil Nadu. Stalin's view is to lead Tamil Nadu to take underdevelopment. The people voted to the Stalin to develop the country. But here Stalin, he is fixing his personal agenda and India Alliance agenda.
पेपर लीक पर केंद्र सरकार के सख्त कानून बनाने के बाद अब बिहार विधानसभा में भी एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अब ये कानून के रूप में लागू हो जाएगा। हालांकि इस महत्वपूर्ण बिल के सदन में पेश होने से पहले विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। बिहार में पेपर लीक किया तो खैर नहीं, बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक पास। पेपर लीक माना जाएगा सीरियस क्राइम। केंद्र सरकार के बाद अब बिहार सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून को विधानसभा में पास कर दिया। इस कानून के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय व गैर जमानती होंगे, साथ ही पेपर लीक मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। नए कानून के मुताबिक 10 लाख से 1 करोड़ का जुर्माना आरोप सिद्ध होने पर आरोपी संस्थान या व्यक्ति को 4 साल तक के लिए ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है और आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं, साथ ही 3 साल से 10 साल तक कैद का भी प्रावधान है। ये नियम बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद या अन्य कोई भी प्राधिकरण जो राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचित हो उस पर लागू होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा में आज पेपर लीक विरोधी विधेयक पास होने पर कहा कि ये बहुत जरूरी था। बिहार के बच्चों की प्रतिभा और बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। ये बहुत जरूरी था, बिहार के बच्चों के प्रतिभा और बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और जो ये गैंग है, इन गैंग का पर्दाफाश भी होगा, सजा भी मिलेगा। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अब ये कानून के रूप में पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। हालांकि इस बिल के पास होने के वक्त विपक्ष का एक भी नेता सदन में मौजूद नहीं था। विपक्ष के सभी नेता वॉकआउट कर गए थे। विधानसभा में एक तरफ बिहार के छात्रों के हित में सबसे बड़ा कानून सदन में पेश किया जा रहा था, दूसरी ओर विधानसभा में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। विपक्ष आरक्षण और विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर एनडीए सरकार को घेर रहा था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार विधानसभा में आज पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित होने पर विपक्ष के वॉकआउट करने पर कटाक्ष करते हुए इसे दुर्भाग्य बताया, तो राजद ने सरकार पर आरोप लगाया। विपक्ष की परिभाषा बदल गई है कि सरकार अच्छे काम भी करे तो विरोध करो। अगर पेपर लीक पर भी कोई वॉकआउट करे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। अब जब आप कानून बना रहे हैं लेकिन कानून बनाने वाली सरकार के साथ ही कानून तोड़ने वाले का सेटिंग हो तो फिर वो कानून किस काम का। पिछले दिनों बिहार में 3 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। इसमें बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा, सिपाही भर्ती परीक्षा और नीट यूजी परीक्षा शामिल हैं। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने संकेत दिया था कि गड़बड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद सरकार ने ये कानून पास किया है। बिहार में एंटी पेपर लीक कानून के पास होने से छात्रों और अभिभावकों में संतोष का भाव है, क्योंकि परीक्षार्थियों को यकीन है कि अब उन्हें मेहनत का फल जरूर मिलेगा। पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केरल के मलप्पुरम में निपाह वायरस का प्रकोप फैला हुआ है। इसकी रोकथाम और जांच के लिए केंद्रीय टीम ने केरल का दौरा किया है। इसके साथ ही टीम ने विशेष रूप से स्थापित निपाह नियंत्रण कक्ष का भी दौरा करने के बाद स्वास्थ्य विभाग के निदेशक और जिला अधिकारियों के साथ चर्चा की। निपाह वायरस जानवरों से इंसानों में फैलने वाला एक संक्रमण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो यह इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर भाजपा विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा के महिला विधायकों ने विधानसभा में भी ये सवाल उठाए और इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी विधायक तपन चटर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि टीएमसी नेता तपन चटर्जी ने न सिर्फ सदन के भीतर उन पर शारीरिक हमला करने की कोशिश की बल्कि मीडिया के सामने भी उन्हें धक्का देने की कोशिश की। विधानसभा परिसर हुई घटना को लेकर तपन चटर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने स्पीकर
बिमान बनर्जी को पत्र भी लिखा, जिसमें बिमान बनर्जी को भी इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि स्पीकर ने विधानसभा के अंदर केंद्रीय बलों के प्रवेश पर रोक लगा दी। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो यह स्पीकर की जिम्मेदारी होगी। बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं है तपन चटर्जी इन लॉबी बिकॉज स्पीकर प्रिवेंटेड सेंट्रल फोर्स इन फ्रंट ऑफ गेट। आई विल राइट ए लेटर टू ऑनरेबल स्पीकर इफ माई सेल्फ एंड अदर बीजेपी एमएलए विल फिजिकली असोल्ट अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू ऑनरेबल स्पीकर विमान बनर्जी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुए विमान हादसे में विमान में सवार 19 लोगों में से 18 लोगों की मौत हो गई। घायल पायलट कैप्टन एम शाक्य को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि हादसे के कारणों का अब तक पता नहीं लगाया जा सका है। हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने शीर्ष भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को अपना प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनव बिंद्रा को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। उन्हें बहुत बहुत बधाई। चाहे एथलीट के रूप में हो या उभरते खिलाड़ियों के मार्गदर्शक के रूप में, उन्होंने खेलों और ओलंपिक अभियान में सराहनीय योगदान दिया है। भारत का यूपीआई सिस्टम अब यूरोप में भी पहुंच चुका है। 2 फरवरी 2024 को यूपीआई ने फ्रांसीसी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म लायरा के साथ साझेदारी की, जिससे भारतीय पर्यटक एफिल टॉवर पर यूपीआई का उपयोग कर सके। यह पहल पेरिस ओलंपिक खेलों के दौरान विशेष रूप से फायदेमंद है, जो भारतीय पर्यटकों को विदेश में एक परिचित और कुशल भुगतान विधि प्रदान करती है। देखिए पेरिस से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस ने यूरोप में अपनी पहुंच बढ़ा दी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपीआई को वैश्वीकरण करने के दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस साल 2 फरवरी 2024 को यूपीआई ने यूरोप में भारतीय पर्यटकों के लिए सहज और सुविधाजनक भुगतान अनुभव सक्षम करने के लिए फ्रेंच डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म लायरा के साथ साझेदारी की। इस यूपीआई पेमेंट को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक एफिल टावर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पेरिस जाने वाले भारतीय पर्यटक पिछले 6 महीनों से यूपीआई का उपयोग करके एफिल टावर की अपनी यात्राओं की बुकिंग कर रहे हैं, जिससे उनकी भुगतान प्रक्रिया सरल हो गई है और उनकी यात्रा भी सरल हुई है। As we know, UPI payments are available in Europe or Paris especially, and now it is easier to get the tickets for Eiffel Tower and attractions using UPI, so it is really helpful for us Indians and it will make much more easier for tourists when they come to Europe or Paris or anywhere in Europe, so this will be really helpful if we have it everywhere. फ्रांस में यूपीआई की उपस्थिति को और मजबूत करते हुए ये प्लेटफॉर्म 3 जुलाई 2024 को पेरिस के हॉसमैन में प्रसिद्ध गैलरीज लाइफेट के फ्लैगशिप स्टोर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यूपीआई की प्रक्रिया भारतीय खरीदारों को एक सहज डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करता है, जो वैश्विक बाजारों में यूपीआई की बढ़ती स्वीकारता को दर्शाता है। यूपीआई इज गोइंग रियली गुड, लाइक इट्स एन इनिशिएशन, सो एट टूरिस्ट साइट्स इट्स वर्किंग, गैलरी लाफायट फॉर सम शॉपिंग पर्पसेस इज वर्किंग, at tourist sites for taking tickets at Eiffel Tower it's working and I think it's a very good initiative. ये पहल पेरिस ओलंपिक खेलों के दौरान विशेष रूप से फायदेमंद है, जो भारतीय पर्यटकों को विदेश में एक परिचित और कुशल भुगतान पद्धति प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का दृष्टिकोण न केवल घरेलू परिदृश्य को बदल रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। डिजिटल इंडिया की धूम पूरे भारत में है और
हर एक कोई इसको अपना रहा है, चाहे वो छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी, और ये धीरे धीरे यूरोप की कंट्री में भी अपने पैर पसार रहा है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमने पेरिस के लफाते गैलरी में देखा, जहां पर लोग यूपीआई का इस्तेमाल करके खरीदारी कर रहे हैं, यानी यहां के लोग भी इस यूपीआई सिस्टम को अपनाना चाहते हैं और कैशलेस की मुहिम में जुड़ना चाहते हैं। मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज पेरिस। दिल्ली में महान गायक मुकेश की 100वीं जयंती पर उनके सम्मान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर एक संगीतमय कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। देखिए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक रिपोर्ट। दिल्ली के आकाशवाणी भवन स्थित रंग भवन में बुधवार को संस्कृति मंत्रालय द्वारा मशहूर गायक मुकेश जी की 100वीं जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गायक मुकेश की 100वीं जयंती पर उनके सम्मान में एक स्मार्ट डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने संगीत में असाधारण योगदान के लिए मुकेश की प्रशंसा की। उन्होंने मुकेश की विरासत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुकेश ने लोगों को 1300 से ज्यादा गाने दिए। शेखावत ने इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए मुकेश के परिवार का भी आभार व्यक्त किया। उनकी अमर आवाज और उनके दिया हुआ संगीत, जो लगभग 1300 से ज्यादा गाने उन्होंने गाए, मुकेश जी का वो गाना सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के द्वार जाना, ये भारत के, ये केवल गाना नहीं था, ये भारत का जो दर्शन है उस दर्शन का प्रदर्शन था। उस समय में जो उनकी आवाज़ थी वो एक सामान्य मानवी की आवाज़ थी, उनकी आवाज़ से सामान्य आदमी कनेक्ट करता था, अपना जुड़ाव महसूस करता था, और मुझे लगता है कि वही जो उनकी थाती थी उसी ने उनको हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। मुकेश के बेटे नितिन मुकेश ने अपने पिता की संगीत यात्रा को याद करते हुए वर्षों तक प्रशंसकों के प्यार और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। आप में से मैं देख रहा हूँ कितने हैं जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा जब पापा गए, मगर उनके गीत सुनते हैं, अपने दिल में बसा के रखा है, घर दिया है। आप हैं असल हकदार जिन्होंने मुकेश जी को शतायु मुकेश बनाया, 101 वर्ष का बनाया। संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुकेश के बेटे नितिन मुकेश ने अपने पिता के गाए गीतों से सभागार में एक अलग ही समा बांधा। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ रात्रि।